स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीजानकीवल्लभो विजयते तराम् श्रीराम कथारस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरूं करूं सुनहुं कथा करुगान सुनहुं कथा करुगान सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंदौं तुलसी के चरण जिन्हकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुगपान। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सरयू मैया की जय। सब संत समाज की जय। सब भक्त समाज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने माता पिता की जय। जय सीता राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा के परिणाम स्वरूप हम सभी सद्भागी जन श्री अयोध्या जी में माँ सरयू के पावन पुलिन तट पे श्री राम कथा की दिव्य महिमा का गान कर रहे हैं। राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा तो सुनने के लिए, जैसे तन को स्वस्थ करने के लिए औषधि मुख से पी जाती है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन मन को स्वस्थ करने के लिए औषधि सदैव कानों से ही पी जाती है। ये ऐसी औषधि है कि जिसके सुनने मात्र से ही जीव को विश्राम मिल जाता है। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि राम कथा को सुनने मात्र से विश्राम मिल जाता है। राम चरित मानस एहि नामा। 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 सुनत श्रवण पा श्रवण पाए विश्रामा।
रामचरितमानस है। इसको सुनने से क्या होता है? बोले इसको सुनने से जीव को विश्राम मिलता है। विश्राम ऐसा शब्द है जहां पे विशेष आराम मिले उसी को विश्राम कहते हैं। आश्रम जानते हैं हम सभी लोग, आश्रम कहते हैं आह श्रमाह गताह आश्रम, जहां पे श्रम चला जाए वो आश्रम है, और जहां पे श्रम विशेष रूप से समाप्त हो जाए, यद गत्वा न निवर्तन्ते तदधाम परमं मम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो यम अग्नि। जहां जाने पर आना नहीं पड़े, जहां जाने के बाद फिर दोबारा इस धरती पे आना न पड़े, ऐसा ये धाम है श्री अयोध्या, और ऐसी परमात्मा की कथा है। जो इसको सुनता है वो वास्तव में उसके सारे कामना पूर्ण हो जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक एक रामचरितमानस की चौपाई को इस तरह से क्रमबद्ध रूप से रखा है कि इसमें मुक्त, विरक्त और विषयी तीन प्रकार के श्रोताओं के लिए श्री राम कथा बड़ा विशेष लाभ देने वाली है। जो अमलात्मा हैं, मुक्त हो चुके हैं, उनके लिए यह कथा सुनने से उनको और आह्लाद मिलता है, उनको और शांति मिलती है। वो तो आत्मा राम है, कहीं भी विचरण करने में समर्थवान है। ऐसे अमलात्माओं के लिए भी श्री राम कथा परम लाभप्रद है, और जो विरक्त हैं उनको परमात्मा के पास ही पहुंचाती है श्री राम कथा। विरक्त का अभिप्राय विशेष रक्त जिनमें आ गया हो, यानी जिनके कर्ण कौरवों में ठाकुर जी की कथा का रस उतर चुका हो, ऐसे श्री ठाकुर जी की कथा का श्रवण करने से वे मुक्त हो जाते हैं। और तीसरे नंबर के श्रोता होते हैं विषयी, जो कामना लेकर के सुनते हैं कि मेरी ये कामना ठाकुर जी पूरा करें, हम श्री राम कथा सुनेंगे, हम श्री राम कथा सुनेंगे, हमारे बेटे का बेटा हो जाए, हम श्री राम कथा सुनेंगे, हमारे बेटे के बेटे का मुंडन हो जाए, हम श्री राम कथा सुनेंगे, हमारे जन्मदिवस में श्री राम कथा सुनेंगे। राम कथा को तो जैसे अवसर मिले वैसे सुन लेना चाहिए। नहीं कोई अवसर मिलता है तो चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, विभिन्न प्रसारण आदि के माध्यम से कहीं भी राम कथा मिले तो अवश्य सुनना चाहिए। इससे हम सब, आप सबका सौभाग्य वर्धन होता है जो सकाम भाव से इस राम कथा को सुनते और गाते हैं। बाबा जी लिखते हैं, जे सकाम नर सुनहि जगावहि, 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 सुख सम पति ना विधि पावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावहि, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि। जो सकाम भाव लेकर के इस परम पुनीत ग्रंथ श्री रामचरितमानस का श्रवण करता है, मनन करता है, अभ्यास करता है, गाता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती। ये हम नहीं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं, बल्कि स्वयं भोलेनाथ ने इस मानस की रचना की है। ओ वे कहते हैं, कथा प्रारंभ होती है श्री राम कथा। राम कथा में 7 श्लोक है प्रारंभ में, वर्णानाम अर्थ संघानाम से लेकर यत पाद प्लवमेक एव भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। हम आप प्रसंग में प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी जब किसी विशेष घटना की ओर संकेत करते हैं तो वहां शब्द लिखते हैं एक बार। आइए, हम सब लोग प्रयागराज में पहुंचते हैं, जहां पे श्री याज्ञवल्क जी महाराज ने श्री भरद्वाज जी को श्री राम कथा सुनाई है। राम कथा के 4 घाट हैं। राम कथा के 4 घाट हैं, घाट मनोहर 4। कौन कौन से घाट हैं? बोले पहला घाट ज्ञान घाट, दूसरा घाट कर्म घाट, तीसरा घाट उपासना घाट, और चौथा घाट शरणागति घाट।
ज्ञान घाट के वक्ता श्रोता भगवान शिव और पार्वती हैं, श्रोता पार्वती जी हैं और वक्ता भगवान शंकर हैं। कर्म घाट के वक्ता महामुनि याज्ञवल्क जी हैं और श्रोता श्री भरद्वाज जी हैं, जो कि प्रयागराज में सुन रहे हैं कथा। तीसरे वक्ता हैं पक्षीराज गरुण जी, श्रोता हैं और वक्ता हैं श्री काकभुसुंडी जी, जो नीलगिरी पर्वत पे नित्य श्री राम कथा का गायन लाभ लेते हैं। चौथे वक्ता हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और श्रोता हम सभी संत समाज, हम सभी सज्जन जो भी इस राम कथा को सुन रहे हैं, वे सब भगवान के श्रोता हैं। संत के समागम से कथा का प्रभाव बढ़ जाता है। हाँ, जहां संत मिल जाएं वहां कथा का आनंद ही बढ़ जाता है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग संतों के समीप जाएं। आज दो संत मिले हैं और जहां संत मिलते वहीं भगवंत की कथा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए हम सभी लोग चलें, संतों के साथ में रहें, क्या मिलेगा। कभी कहते हैं संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। किसकी किसकी बन गई जो हमारी आपकी बनेगी, तो प्रमाण देते हैं। क्या ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और क्या करते हैं संत जन, कागा से तोहे हंस करेंगे। 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 हम लोगों का जो कौवा का स्वभाव है ना, काव काव करना, संसारिक बातों को प्रपंच को गाना, ये कौवा का स्वभाव। और ठाकुर जी का नाम जपना, ये हंस का स्वभाव है। जैसे हंस के अंदर गुण होता है कि वो दूध दूध पी लेता और नीर छोड़ देता है। नीर क्षीर का विवेक हंस में है। तो हम लोगों के मन की कलुषता को दूर कर, और क्या करते हैं संतजन, बोले उसको निर्मल हंस कर देते हैं। आगा से तो है हंस करेंगे। मिट जावे उर को दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जावे उर को दाग रे, लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
भाव से संतों के साथ में चल के देखिए जनाब, आपके जीवन का मार्ग न बदल जाए तो कहिए। हरी हरी बड़े भाव से सके तो अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग हरि बोली बड़े भाव से तेरी अच्छी बनेगी। और अंत में कबीर बाबा कहते हैं क्या, कहत कबीर नाम सुमिरन में, 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 भाग सके तो अब पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग लगने से हमारे आपकी जो बिगड़ाहट है, जो हमारे आपका जो मन बिगड़ा हुआ है ना, ये बन जाता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। क्योंकि संत मिलन सम सुख जग नाही, संत के मिलने के बाद वास्तव में जो संत जब मिलते हैं तो उससे बड़ा सुख धरती पे नहीं है। क्योंकि संसार क्या है, बोले संसरतीति संसारः जो नित्य सरके, गीता में भगवान ने कहा इदम असारः, ये असार है, इदम दुखालय, ये दुखालय है। तो बताइए दुख के घर में हमें सुख कहां मिलेगा, तो दुख के घर में सुख चाहते हैं तो भैया संतों के चरणों की डोर पकड़ ली, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, भक्ति भक्त भगवान और गुरु ये चारों नाम अलग हैं लेकिन वास्तव में एक ही तत्व हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।